अगर मान लो सवाल ऐसा दे देता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन होगा, तो इसमें कैसे बनाते हो तुम लोग सवाल? पहले तो पलटेंगे, और पलटे हैं पलटते हैं तो टाइम कितना लगता है, ए से जेड तक लिख लिए पहले, फिर ओकरा पलटे, और उसमें से कहीं का कुछ पूछ सकता है, समय लगता है ना। सारे सवाल कहीं बिना पलटे हुए सारे बना सकते हो, पलटना ही नहीं है, इसके लिए हमें पहले थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं कभी बोलेगा तुमको कि पूरे अल्फाबेट को पलट दीजिए, तब बताइए बाएं से दाएं के चाहे फलाने फलाने के बीच में कौन आ रहा है, और मिस्टेक होने का संभावना होता है। कह देगा कि जी और एन के बीच में कौन आ रहा है से बताइए, बोल देता है ना पलटने के बाद। या कहेगा प्रथम अर्धांश को पलटा है, दूसरा जीव का त्यों है, या हो सकता है कि पहला अर्धांश पलटिए दूसरा अर्धांश पलटिए और तब बताइए कि 17 नंबर पर कौन हो रहा है, 5 नंबर पर कौन हो रहा है, या पी का स्थान क्या हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा समय लगता है, आपको समय नहीं लगेगा, गारंटी है आपको कहीं पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमको थ्योरी पढ़ना होगा, इसको समझना होगा कि आखिर ये सारा खेल है क्या। तो आइए, अब जैसे अगर मुझे तुम कहोगे कि सर पलटने के बाद मान लीजिए कि पूरा को पलट दिए, अब पूरा को पलट देने के बाद पूरा को नहीं मान लो आधे के पलटे, पूरा पलटोगे तो बड़ा आसान है, पूरा पलटोगे कहोगे पी के स्थान पर कौन हो गया तो बताइए तो के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है पूरा को पलटने के बाद। लेकिन तुम कहो कि आधा पलट दीजिए और तब हमको बताइए कि जी का स्थान क्या होगा तो साते होगा, अगर तुम हमसे पूछोगे कि जे का स्थान क्या होगा तो 4 नंबर पर होगा, तुम पलट के देख लो। तो मैं ऐसे सवाल को कलम उठा ही नहीं सकता, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सभी बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, अल्फाबेट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है चला, हालांकि लोगों को लगता है इजी कि खाली पलट के बना लेना है, नंबर तो ऐसे ऐसे बैठा देना है, ये इतना इजी समझता है कि लोग इसको पढ़ता नहीं, लेकिन ये समय ज्यादा लेता है, सवाल तो बनवे करेगा, ये सवाल सबसे बनता है। अच्छा, सवाल बनाना बड़ी बात नहीं होता है एग्जाम में, कम समय में आप सवाल बना पाते हो ये बड़ा बात मैटर करता है। अब मान लो एक सवाल तुमने बनाया, तुमको बनाने आया और तुमने 10 सवाल का समय बर्बाद कर लिया, 5 सवाल का समय बर्बाद कर लिया, बाद में एग्जाम के बाहर निकलते हॉल से, ओह ये तो देखेबे नहीं कि ये तो इतना ईजी था, ये 5 क्वेश्चन बुझाएबे नहीं कि मौके नहीं मिला, समय नहीं मिला एक देखने का, ये तो ऐसे ही हो जाता है ना। अब आ जाओ, तो अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन तो हम करेंगे लेकिन पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, इसका थ्योरी एक बार पढ़ो उसके बाद तुमको जिंदगी में पढ़े की जरूरत नहीं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि इसका एक नंबर है, ये नंबर याद करना होता है हमें, जैसे ए होता है 1 नंबर पर, बी 2 पर, ये अलग अलग लिख दिया है, गड़बड़ा दिया है देखिए। तो मुझे क्या करना है, इसको याद करना है, याद सब लोगों को होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, अब भी हम 10 मिनट में 5 मिनट में याद करा के देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। चला देखो, अब कुछ लोग ये सोचेगा अच्छा एगो चैप्टर पढ़ ले सब याद करे के पड़ेगा, ये एक चैप्टर में काम नहीं देता है, ये जो तुम्हारा अल्फाबेट तुम याद कर लिया तो अल्फाबेट तो काम देवे करेगा, कोडिंग डिकोडिंग में काम देगा, सीरीज में तुमको काम देगा, ऑड आउट हाँ विजातीय छांटना उसमें तुमको काम देगा। तो ये लगभग 5 टॉपिक में आता है अल्फाबेट। अच्छा डिक्शनरी पढ़ोगे शब्दकोश वाला थोड़ा उसमें काम देगा, मैट्रिक्स पढ़ोगे वहां तुमको फिर इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको याद रखने से ये 5-6 टॉपिक में अल्फाबेट का नंबर याद रखने से आप जल्दी सवाल बनाएंगे। अब देखो इसको याद करना कोई बड़ा बात नहीं, आपको याद होगा 4 गो लेटर तो सब जानता होगा, ए बी सी डी ई तक तो जरूर जानता होगा। अब ई का स्थान कह दे तो आ डी का आ 2 पर 1 पर एक। अच्छा आ जेड डब्लू एक्स कौन नहीं जानता होगा ये बताओ तो, जेड होता है 26 पर, वाई 25 पर, आ एक्स 24 पर, होता है क्या पक्का? ए बी सी डी ई तक मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब देखो तो तुम्हारा 5 गो 3 गो 8 गो तो खत्म हो गया 26 में से, टोटल कितना होता है 26 गो ना,
मध्य, मध्य मतलब बीच ना, तो 26 के आधा 13, तब मध्य माने एम से मध्य लिखाता है मीडिएटर, मीडिएटर या मिडिल वाला कहो, हालांकि मिडिल में 13 होगा नहीं, टोटल 26 होता है ना चला, तो उधर से एन आओगे 13 पर, इधर से एम होता है 13 पर, 26 गो में बीच में कोई नहीं होगा, लेकिन एम से समझ लो बीच में 13 दुना 26 करके, याद रखने के लिए, समझ रहे हो ना, तो याद रखने के लिए, अब याद रखने के लिए एम 13 याद हो गया, तो एन आस पास है 14 याद हो गया, एम 13 एन 14, एम के साथ एन सबको ध्यान रहता है कि एम के बाद एन होता है, नहीं ध्यान रहता है। हाँ अगर तोरा से पूछ देंगे टी से पहले क्या, तो थोड़ा रुक जाओगे तुम, लेकिन एम के बाद आ एन से पहले तो एम एन सबको याद है, मन नहीं मन, मन मन साथ चल रहा है आपके साथ, मन माने है ना मन, मन हाँ मन जो है आपके साथ चलता है, मन साथ ही चलता है एम और एन। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं सबको पढ़ने आता है क्या लिखा, इंडिया, आई नौ जैसे है कि ना, नौ है, आई कै पर है, इंडिया याद हो गया, इंडिया है, इंडिया मतलब ये आई है। अब देखो इसको कुछ नहीं ऐसे मिला के उल्टा छ लिख सकते हैं क्या, एफ को उल्टा छ, एफ होता है छ पर, और जी सेवन कंट्री का मीटिंग होता है याद है कि ना, जी सेवन होता है ना, जी सेवन समूह है ना, देशों का समूह जी सेवन, तो जी सात पर होता है याद हो गया, और एच को आठ तुम बना सकते हो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोचो डब्लू को याद करना है तोरा, पहले तो टी ट्वेंटी मैच अभी चल रहा है तुमको पता है, टी ट्वेंटी मैच चल रहा है कि नहीं, आईपीएल में टी से 20 होता है, जब टी हमको याद है, अच्छा एक बात बताओ, ई घर है टी का, ओकरा से पहले एस का घर है, ओकरा बाद यू का घर है, इसके घर पर तू बार बार जाओगे तो दाएं बाएं वाला का घर ध्यान में ना जाएगा, ना याद आ जाएगा, टी खाली याद है ना टी 20, तो एस टी यू, टी के बाद यू होता है, टी से पहले क्या होता है, सोचना है, एस 19 हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो टी जब तुमको याद है तो सब आदमी अब अपन अपन नाम लेटर याद करो एक बार, अपन अपन सब नाम, किसी का रेखा नाम होगा तो आर मतलब 18, आर मतलब क्या, ई एक है और ई जो है 8 है 18। अब देखो किंग्स 11 पंजाब है ना टीम, किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल से दो गो टीम याद कर लो तुम, एगो टी ट्वेंटी मैच, टी ट्वेंटी और किंग्स 11 है ना, किंग्स 11 पंजाब टीम है, किंग्स 11 हो गया याद, तुमको एच यादे है कहने की बात नहीं, आज जी सेवन होता ही है, सबके नाम में कुमार लगाते हो तो किंग्स 11 ऐसे भी के 11 याद रहेगा, रहेगा ना याद। अब देखो टी याद है तुमको, एस यू याद है, अब मैं एक बार रिपीट करता हूं कि तुम्हें याद क्या है याद नहीं है, चलो बताओ तीन पर क्या है, 25 पर, 25 पर एक्स, एम, एम एन आई नौ, आ एफ उल्टा छ लिखे थे ना, आ एच आ किंग्स, किंग्स 11 के 11 पर, वाह। अब देखो अब क्या है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, पहले रसगुल्ला 10 रुपया में आता था, अब रसगुल्ला है 15, कोई गया होटल में खाने रसगुल्ला, अब तुम गया है बाहर में होटल है ना, नीचा उतरोगे जाना 15 रुपया रसगुल्ला मिलेगा, तो 15 रुपये रसगुल्ला कहोगे कि 15 रुपये रसगुल्ला, लेकिन प्लेट में देगा तो 16 रुपये देगा, धोने में लगता है भाई लेबर चार्ज, अब पूछोगे क्यों, रसगुल्ला 15 का है 16 में क्यों दिए, तो कहेगा क्यों, क्यों बोलोगे तो 17 में देंगे, ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो, अब दुकानदार गुस्सा गया, पहले तुमको दिया हाथ पर खाने के लिए तो 15 रुपया में रसगुल्ला, लेकिन तुम कहा जब हम प्लेट में खाएंगे तो प्लेट में 16 के बिल बना दिया, और तू बात किया था 15 में दिया 16, कहा क्यों 16, गुस्सा के कहा 17 लगेगा, क्यों 17 नहीं, तो क्यों बोल रहा है इसीलिए 17, तो क्यों कह पर, आ प्लेट में रसगुल्ला, हाथ पर रसगुल्ला 15 के, कोई दिक्कत, चलो तुमको याद है, आर को बनाए थे 18, ये एक है आठ है कि नहीं, चलो 18 हो गया। चला टी के बाद डब्लू होता, टी के बाद ना कहीं डब्लू होगा, टी तो तुमको याद है कह पर,
आ ये देखो ये तीन जैसे है कि ना, इसे अगर घुमा दे W तीन जैसे, तो 20 के बाद तीन वाला संख्या कौन हो सकता है? W ना याद होगा, केकरा नहीं पता होगा कि W T के बाद होता है। तो सोचेंगे जब T 20 पर है तो तीन वाला संख्या 23 ना होगा। अच्छा इतना देर हम तुमको पढ़ाए, मेरा नाम भी से स्टार्ट होता है, तो कम से कम मेरा तो याद कर लो। नहीं जैसे देखो मेरा बेटा का नाम है किट्टू, तो किट्टू 11 नंबर पर आता है। एगो का नाम जो है विराट, ऐसे उसका घर का नाम है लक्की, तो लक्की 12 पर होता है। देखो हम सब सेटिंग बैठा कर ना नाम रखे हैं। छोटका है 11 पर, छोटका बेटा का नाम किट्टू है, तो छोटका 11 पर, बड़का है तो बड़का 12 रहेगा, और मैं खुद हूँ 22 पर, सबका बाप हूँ मैं। नहीं इसका डबल करोगे तब हमारा आता है। तो ये देखो किटुआ है 11 पर, लक्की है 12 पर, और भी 22। तो सब आदमी अपने अपने लेटर का याद कर लीजिए, मुझे लगता है कि अब यादें हो गया है। वो जे बचा है, जे तो जे होता है 10, एगो नहीं हो याद रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन याद हो जाएगा, आई के बाद होता है जे। अब देखो एल याद हो गया, लक्की 12 है या किटुआ 11 है मेरा छोटका बेटा। हाँ अब देखिए, अब मेरा तो नाम भी से है तो भी 22 है ना, ऐसे भी मेरा नाम बेजोड़ है भी के, मान लो विपिन कुमार, तो 11 दूना यानी कहाँ पढ़ने जा रहे थे 11 दूना 22 के यहाँ। अब आप अपने अपने नाम का पहला लेटर याद कीजिए, अपने दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहला लेटर अंतिम लेटर, और माए बाप का नाम, सास ससुर का नाम, साली सरहोज का नाम, सबका पहला लेटर याद कर लीजिए। हाँ अब देखिए, अगर इतना बात आपने याद कर लिया तो किसी का भी नाम, मान लो कि अगर मान लो प्रवीण है, PRAVEEN लिख दिया प्रवीण, तो अब इसको ऐसे पढ़ो 16 18 22 5 5 14, ऐसे आदत डालो। ये आदत मत डालना कि पी 16 पर आर 18 पर, ये आदत गड़बड़ आदत है, सीधा याद रखना 16 18 22 5 5 14, समझ में आया? ऐसे याद रखने से क्या होगा, मैथ की तरह तुम इसको समझ जाओगे और सोल्व करोगे इसको। अब देखो इतना बात याद हुआ है, मैं एक बार रिपीट करवाता हूं आप लोगों से। चलिए बोलिए, आई कितने पर? आ जे, जे 10, 14 पर कौन? आ एम, आ टी, टी टी, आ एस, एस 19, आ एल, आ के, वाई 16 पर, रसगुल्ला प्लेट में मिला था 16 के, आ क्यू रसगुल्ला, ए रसगुल्ला रे 15 रुपए रसगुल्ला है, प्लेट में दिया था 16, तू कहा 16 का है, क्यों 16, तो कहेगा 17 लगेगा अब, है ना? भी बताओ पक्का? चलो एगो पूछ रहा है कि आपके मैडम का नाम कितना से स्टार्ट हो रहा है? 19 से स्टार्ट हो रहा है, इतना जिज्ञासा है लोगों को। अच्छा जेकरा शादी नहीं भेल रहेगा उ सब पति पत्नी वाला खिस्सा बड़ा सुनना चाहेगा, चाहे केकरो शादी हो रहा है उकर कहानी अक्सर देखिएगा। देखिएगा जो शादीशुदा लड़का लड़की नहीं है, शादी विवाह में जाए खूब फोटो खिंचाएगा, जे बेचारा मैरिज है ना कोई फोटो नहीं खींचा, तो ओकरा पता है कि की है लाइफ, है घटिया लाइफ है। तुम शादी किया है? हुआ शादी तोहर? सब बोलता है, कौन बोला है? शादी एक ऐसा चीज है, ऐसा मिठाई ना खाओगे तैयो पछताओगे, खाओगे तब भी पछताओगे। अब देखो चला, याद तो हो गया, और उल्टा याद करना कोनो बड़का बात नहीं है, वो डायरेक्ट याद हो जाता है सबके। देखोगे कैसे, एक तो या तो 27 में से उसका स्थान घटा लो, उल्टा मिल गया तोरा। जैसे मान लो पी का स्थान तुमको चाहिए कि पी इधर से, जैसे पी का अपोजिट क्या होगा, तब पी होता कितना पर है, तो 27 में से 16 घटा दो, 27 में से 16 11, तो 11 पर कौन होता है और 16 पर कौन होता है, यानी पी का उल्टा के है, 16 पर पी होता है। अब जैसे मान लो कि आप कहोगे सर एम का उल्टा बताइए, तो 27 में से घटा दो एम, तो 27 में से 13 घटाया 14, तो 14 पर कौन होता है, बताए समझ में?
तो ऐसे बनाना, ये नहीं कि कर्मान बैठा के घटाना। हम तुमको कह दिए डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, ये 13 है, इसको डायरेक्ट क्या बोलना है, 13 बोलना है, एम 13 नहीं बोलना है, सीधा 13 बोलना है। अब आ जाइए, अब याद रखने के लिए भी आप सोच सकते हो, एगो तो एगो ट्रिक है भाई, उफ बाई लव। हाँ तुम लोगों के लाइक है ये सब चीज़। देखो उफ एक दूसरे का उल्टा, यू और एफ है ना उल्टा, बी और वाई एक दूसरे का उल्टा, एल ओ एक दूसरे का उल्टा, भी ई एक दूसरे का उल्टा। अब जैसे मान लो ई इधर से कै नंबर पर होता है, तब भी उन्ने से 5 पर होगा। बोलो इधर से एल कितने पर होता है, एल 12 पर होता है, तो उधर से ओ 12 पर होगा, एल ओ भी। याद ऐसे करना है, रुक के जोड़ा लगा के मन में, पूरा लव नहीं ऐसे बोलना, एल पूरा लव नहीं, लव अधूरा नहीं, चलो प्यार अधूरा ही होता है, प्यार का पहला अक्षर अधूरा है। सुनो एल ओ, तो मन में रिपीट करना है ओ, एल ओ मतलब एल और ए, एल और ओ एक दूसरे का उल्टा है, भी ई, भी ई एक दूसरे का उल्टा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, उफ, उफ से यू एफ, बाई समझ गए, बी वाई, लव में ऐसे पढ़ना एल ओ, मन में सोचना है एक दूसरे का अपोजिट एल ओ, और उसी टाइम मन में क्या सोचना है, ये अपोजिट है एल ओ भी ई, कोई दिक्कत। तो दू आ दू चार, चार आठ गो लेटर तोरा एक बार में याद, याद हो गया। अब मैं पूछ दू कि ई का उल्टा, आ ओ का उल्टा एल, बी का उल्टा वाई, कोई दिक्कत। अब देखो उफ वाई लव हो गया, ये शर्ट पहना मैंने, शर्ट पहने कि नहीं पहने, तो जैसे अगर आपका क्या नाम है, पंकज, पंकज बोलेंगे, या कोई आदमी इसको कहे पंकज जी तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। जैसे कुत्ता जा रहा है, कहो कुत्ता जी कैसे हैं आप, नहीं अच्छा लगेगा उसको कि भाई हमें जी लगा के बोला। ऐसे भी डी आई जी के बाद डी ओ जी है, डी ओ जी साहब है वो, डी ओ जी डॉग डी ओ जी साहब है वो, डी आई जी होता है ना पुलिस में, वो डी ओ जी है। तो देखो अब शर्ट है, शर्ट का स्पेलिंग जानते हो, एस एच आई आर टी, तो शर्ट हुआ, लेकिन डेली इसको पहनते हैं शर्ट जी कहेंगे तो कोई दिक्कत आपको, इसको भी लगेगा कि हमारा इज्जत कर रहा है कि नहीं, शर्ट जी पैंट जी। तो देखो एस एच एक दूसरे का उल्टा, आई आर एक दूसरे का उल्टा, टी जी एक दूसरे का उल्टा, शर्ट जी याद हो गया। ऐसे जी टी रोड तुमको याद होगा, जी टी रोड याद है कि नहीं, तो जी टी एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी सीधा समझो चला, टी होता है कितना पर, 20 पर, टी 20 पर होता है ना, तो टी के अपोजिट जैसे ही कह देता जी, इसका मतलब है उधर से जी 20 पर आ जाएगा, इधर से टी 20 पर है ना, तो उधर से जी 20 पर आएगा। का है इधर से ए होता है एक पर, तो उधर से जेड होता है एक पर, इधर से बी होता है दो पर, तो उधर से वाई होता है दो पर, अपोजिट का तो यही मतलब है। नहीं इधर से जी कितना पर होता है, तो उधर से टी आएगा 7 पर, जी टी एक दूसरे का उल्टा है। अच्छा इधर से एम कितना पर है, तो उधर से एन कितना पर होगा, 13 पर, मन, मन एक दूसरे का उल्टा। नहीं अब देखो शर्ट जी याद हो गया, तो इसमें शर्ट जी में कैगो था, एस एच आई आर टी जी, दो दो चार दो छः, 8 6 14 याद हो गया तोरा। पी के मूवी देखे हो, पी के एक दूसरे का उल्टा है, पी के, पी के का मतलब चला इधर से पी 11 पर है ना, तो उधर से के 11 पर होगा। क्लियर याद हो गया, आ जाओ। अब मान लो कि एक आदमी कोई दारू पीने वाला आदमी, अभी दारू बंद है बिहार में, नहीं नीतीश कुमार है, चल रहा है, पकड़ लेगा पुलिस, तोड़े पकड़ेगा कि एकरे पता है। अभी कितना का 60 लाख का एक ड्रोन था, वो गायब हो गया, 80 लाख का, 80 लाख का ड्रोने गायब हो गया। वो कैमरा लगा के वो चेक करता था पुलिस कहाँ कहाँ दारू का कारोबार हो रहा है, तो ऊपर में उड़ता था वो कैमरा, वो में लगा हुआ था, यहाँ पटने से वो ऑपरेट होता था पुलिस मुख्यालय से कि ओकरे कोई चोरबा चोरा लिया, 80 लाख के ड्रोने गायब हो गया। अब देखो दारू के धंधा कैला करेगा। अब ये देखो, तो मान लो कि कोई आदमी पी के आता है दारू पीने में नशा में, अपनी पत्नी को पीट दिया, रात में आया पीट दिया, लेकिन ओकरा सुबह में नशा उतरेगा तो सब जब समझाता है तो वो सोचता है
कि बेकारे पिए थे। नशा उतरल में बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा नशेबाज। कुछ नशेबाज ऐसा होगा जिसके पास नॉलेज बहुत होता है, बढ़िया बात बोलेगा जखनी नशा में नहीं रहेगा था, और नशा में रहेगा तो सारा ओरिजिनल बात बोलता है वो, है ना। तो वो आदमी सोचता है कि पी के मैंने जो किया, नहीं कहता है पी के मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, नहीं, तो पी के मैंने जो किया यानी जे क्यू एक दूसरे का उल्टा हो गया, है ना। और याद रखना डी डब्लू, डी डब्लू दोनों ड से उच्चारण होता है ना, डी डब्लू। और गाड़ी का मॉडल आता है सी एक्स एल एक्स आता है ना, नैनो का सी एक्स आता था, ऑल्टो में एल एक्स आता है, एल एक्स आई आता है ना, तो गाड़ी का वेरिएंट होता है वो, तो सी एक्स याद रहेगा। ऐसे भी तीन पर होता है, उधर से एक्स तीन पर होता है, काहे नहीं याद रहेगा। और डी डब्लू माने ड का उच्चारण है दोनों में है, डी और डब्लू में, बात है समझ में। आप पी के मैंने जो किया, इसको क्या पढ़ेंगे, जो किया, नहीं पी के मैंने जो किया, याद हो गया। अब जे का उल्टा, अब पी का उल्टा, एम का उल्टा पक्का, डी का उल्टा याद हो गया तुमको, एस का उल्टा शॉर्ट का याद रखना, एस एच आई आर टी जी, शॉर्ट जी बोले थे ना, शॉर्ट जी को घर पे ऐसे सोचना, शॉर्ट जी, एस एच आई आर टी जी एक दूसरे का उल्टा है। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताओ पी का उल्टा क्या होगा, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आई आर, शॉर्ट में एस एच आई आर, टी का उल्टा सी का उल्टा, डी का उल्टा, याद है आपको, कुछो दिखते नहीं है। अब चला देखो मेन बात, अब इसमें बताओ सबका नंबर, हम अगर ऐसे बोले तुमको कि नंबर बोलना है खाली, 18 5 1 19 20 15 है, 14 9 14 7 होगा कि नहीं। वो घर पे जो है ऐसे कुछ वर्ड जहां कहीं भी तुमको दिखे, अब केकरो टी शर्टे पर इंग्लिश में लिखल होगा, नहीं होता है। घर में तुम रूम में बैठे रहोगे तो कुछ कुछ लिखल है, देखो आईटीआई लिखल है, जीओ लिखल है, कुछ भी लिखा हुआ है जहां तुम देखोगे, तुम्हारे किताब पर लिखल होगा, पहला पृष्ठ पर कुछ ना कुछ तो होगा आपके कॉपी पर, तो बैठे रहना है तो उसके नंबर सोचना है। अब देखो राहुल गांधी लिखा मैंने, 18 1 8 21 12 7 1 14 4 8 9। अब लो प्रपोशन, प्रपोशन रेशियो एंड प्रपोशन पढ़ते ना, 16 18 15 16 15 18 20 9 15 14, कोई दिक्कत बोलो तो, 12 1 12 21 25 1 बोलो 4 1 22। देखो 14 1 18 5 14 4 18 1 नरेंद्र मोदी, 13 15 4 1 13 15 आ जाओ बाबू, 16 18 1 25 1 14 11 1 3 8 15 16 18 1। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा था कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस हो गया आपका, बता सकते हैं पक्का। अब चलो इसका हम उल्टा सोच लेते हैं, सबका उल्टा लिखते जाते हैं। R का उल्टा I, E का उल्टा L O V, A का उल्टा Z, S का उल्टा S H, H होगा O का उल्टा, O का उल्टा याद नहीं किए थे, L O, L O V, तो L ना हो गया। N का उल्टा M, I का उल्टा R, N का उल्टा M, G का उल्टा G, G T, T हो जाएगा ना पक्का। अब देखो इसका P का क्या, P K याद हुआ था, I R L O यानी L होता है, P K L O I R T G I R O से L O N M N ना, मन P K मैंने, हो गया क्या उल्टा याद पक्का। चलो इसका देखते हैं प्रियंका चोपड़ा का उल्टा याद करके, P K नहीं सोचेंगे, P K I R तो I R Y है तो B उफ बाई, ए का जेड एम एन पी के ए का जेड ना, सी एक्स एस एच एल ओ पी के आई आर एज
ना हो जाएगा याद, कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, याद कैसे रहेगा? याद करना बड़ा बात नहीं है, याद तो कर लिया, अब याद रखना बड़ा बात होता है। अब आप क्या करेंगे, याद तो हो ही गया, कोई बातें नहीं है, अब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने लगेंगे, एकरा छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप 15वां चैप्टर तक जाएंगे, तब पता चला पीछे के 10 चैप्टर गायब हो गया। तब तक तुम एग्जाम में जाओगे तो फिर तुरा वही हाल है जो पहले हाल था। तो याद रखने के लिए क्या होता है, मन में सोचते रहना होता है, किसी चीज को सोचिए। अब रास्ता में चले तो हमारा आदत है, हम गाड़ी में बैठल है, आगे लिखल होगा प्लीज हॉर्न, लिख ले रहता है कि ना, प्लीज हॉर्न लिख ले रहता है कि नहीं। तो हम गाड़ी चलाते चलाते हम इसको मन में ऐसे सोचते, ओ अरे 16 हो, 9 हो, 26 हो, 8 हो, 15 हो, 18 हो, 14 हो, लिख ले रहता है, कीप डिस्टेंस। तो उसको हम ऐसे ही मैथ में सबको कैलकुलेट करते रहते हैं, कीप डिस्टेंस लिखे रहता है गाड़ी के पीछे, रहता है कि नहीं। तो गाड़ी चलाते रहते तो ये सब बात ध्यान रहता है, कीप डिस्टेंस। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है चला कि हमेशा कॉपी किताब के साथ ही पढ़ाई हो सकता है, मंथन है ना, मनन ये जरूरी होता है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। आ जाओ, कीप डिस्टेंस 11, 5, 5, 16, 4, 9, 19, 20, 1, 14, डिस्टेंस और कुछ था, सी था 3, आई 5। इसका उल्टा भी याद कर सकते, ओ पी का उल्टा ना, ये पी का उल्टा है, आई क्या भी का है, भी का है, पी के का है ना, डी का डी, डी डब्ल्यू आई आर, एस एच आई आर, एस का एच होगा, टी का जी होगा, ए का जेड होगा, एन का एम होगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कुछ हो आगे, समझ गए ना? तो हो गया ना याद। अब आओ मेन बात पढ़ाते हैं। अब देखो, अगर हम ये अल्फाबेट है ना, ए से लेकर जेड तक रेड में लिखा हुआ, देखो यहां, हाँ, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज 6 चैप्टर में होता है, आप बने रहिए, शुरू में अभी बोले हैं, फिर बीच में आया होगा, चल गया होगा बाथरूम, तब तक यही समस्या है ऑनलाइन वाला का, बीच बीच में गायब, वो खानो खाएगा। हाँ, अब देखो, ए से जेड तक लिखा हुआ चला, पहला कंडीशन में मैंने क्या किया है, आधा को उल्टा है, तो एम होता है ना 13, और यहां से यहां तक है टोटल 13 को, ठीक है। अब मैंने जब इसको उल्टा, तो देखो उल्टे का मतलब होता है कि यहां एन उधर हुआ, एन से उधर आधा होता है, 13 गो उधर, 13 गो इधर, तो ए यहां से शुरू कर दिया, ए यानी एम यहां आ गया, एम यहां हो गया, एल यहां हो गया, उसके बाद के हो गया, समझ गए कि नहीं, यानी ये आपका जो है यहां तक आ गया था। आ इधर वाला नहीं पलटा, इधर वाला जीव का त्यों छोड़ दिया, क्यों? सवाल कहता है कि वर्णमाला को, वर्णमाला को अर्धांश भाग को पलट दिया जाए, तब आपसे पूछ देगा कि जी का स्थान क्या हो सकता है, पी का स्थान क्या हो सकता है, एन का स्थान क्या हो सकता है। तो दिमाग लगाओ, आधा पलटा है ना, तो पहले सोचो कि आधा कहां तक होता है, ये बात तुमको याद रहना चाहिए, 13 तक ना होता है, तो उधर वाला पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, प्रथम अर्धांश को पलटने से उधर वाला एम के बाद वाला को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो अगर कह दे कि प्रथम अर्धांश को पलटने के बाद बताइए कि पी का स्थान क्या होगा, तो दिमाग लगा ना, एम के बाद ना पी होगा, उकरा पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, समझ गए कि नहीं। कहेगा कि प्रथम अर्धांश को पलटने के बाद के का स्थान क्या हो गया होगा, तो सोचने वाली बात है कि एम, एम तक में फर्क पड़ेगा, जिधर पलटेंगे उधर ना फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। तब तुम कहोगे सर तो उसको कैसे निकाले, क्या हमको ये लिखना पड़ेगा, तो नहीं, जब प्रथम अर्धांश कहता है ना 13 को होता है ना टोटल, तुम 14 में से ओकर स्थान घटा देना, पता चल जाएगा अब तू कहां है, जैसे 14 में से घटाना है आपको क्या करना है, जैसे अगर पूरे का उल्टा बताना है तो 27 में से घटाना होता है, जैसे सोचिए अगर सीधा में इसमें पूछ दिया जाए आपको पी का स्थान, चला दिमाग लगाओ, आर तुम्हारा कै पर होता है, आ उल्टा में पूछ दे कि उधर से कितना, तो 27 में से 18 घटा लो कितना हुआ, तो उधर से ही 9 पर आएगा, देख लो गिन के, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो बात समझो, अगर 2600 लेटर है पूरे को उलटने के लिए, अगर कह दे कि पूरे अल्फाबेट को उलट दिया जाए, तो उलट देगा तो उधर से ये हो जाएगा, तब कह देगा कि बताओ दाहिने से अब पी कितना पर है, तो उतने पर है, दाहिने से कह रहा है, देखो दाहिना ये है ना,
चला समझो, आ सबको उलट दोगे तो ए इधर आएगा बी इधर, बस तीन चार बात आप एक बार माइंड में सेट कर लोगे ना तो कितनों उल्टैत पुलटैत रहेगा तुम बिना लिखे जवाब दोगे। अभी ध्यान देना, ए इधर आएगा, बी सी डी ऐसे डी डब्ल्यू होता है ना, डी के बाद ई एफ जी ऐसे होगा ना एच। अच्छा दाहिने तरफ से आएंगे तो किसी का पोजीशन नहीं बदला है, पलटने के बाद दाहिना तरफ से कह रहा है तो हम सोचेंगे ओ पलट देगा तो ए के तरफ से तो फिर कह रहा है, नहीं दाहिना इधरे ना हुआ चला, राइट इधरे ना हुआ, और लेफ्ट इधर से होता है, हम लोगों का लेफ्ट यही ना है, समझ गए। तो पलटने के बाद कह रहा है दाहिने तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पलटने के बाद अगर दाहिने तरफ से किसी का स्थान पूछता है माने सीधा बताना है, क्योंकि अब उधर से गिनते आना है तो के ग्यारह पर होगा, पी सोलह पर होगा, जे दस पर होगा, डब्लू तेईस पर होगा, उधर से आइएगा इसे लिखते लिखते तो डब्लू इधर ना आ जाएगा, यहाँ तक नहीं आ जाएगा। तो पलटने के बाद दाहिने तरफ से कहेगा तो वैसे ही बताना है, हाँ बाएं तरफ से अगर कहे तो समझना वो पलट देगा, माने जेड के तरफ से पूछ रहा है तो जेड के तरफ से कह रहा है तो 27 में से ओकर स्थान घटा देंगे। अगर पलटने के बाद बाएं से तुमको पूछ रहा है डब्लू का स्थान, बाएं से मतलब इधर से शुरू से, तो पलट दिए तो जेड ने ना आ गया, तो सीधा 27 में से डब्लू का स्थान पहले घटाओ, कितना 27 में से 23 घटा 4, यानी 4 नंबर पर होगा वो बाएं से, वहां से आएगा डब्लू ना तो चला डी डब्लू, डब्लू यहां पर पहुंचेगा, समझे कि नहीं। या सीधा याद रखो कि पलट के पूछ रहा है तो पलट के माने उल्टा पूछ रहा है, तो डी डब्लू के पूछा है तो डब्लू के उल्टा कौन होता है, और डी कै नंबर पर होता है, यानी डब्लू 4 पर हो गया ना, दिमाग लगा लोगे, उल्टे पूछा है। अच्छा पलट के पूछा है नहीं, अगर कहेंगे कि पूरे को पलट दिया जाए आ ओ का बताइए तो ओ का उल्टा तोरा याद है, ओ कै पर होता, अरे एल ओ, तो पलट देगा ना तो इधर से एल 12 पर होता है, अब ओ 12 पर होगा, पलटने का मतलब है कि इसका स्थान ऊ ले लेता है, पहले इधर वाला का स्थान उधर वाला ले लेता है, नहीं समझे। अब देखिए ना बताइए, यहां से ए लिखते हैं बाबू, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, बताइए जेड ए एक दूसरे का स्थान ले लेता है कि नहीं ले लेता है, पलटने के बाद क्या होता है, बस अपोजिट वाला के वो स्थान पर चला जाता है, ये बात समझ गए। अब मैं आपसे अगर सिंपल पूछूं कि पलटने के बाद शुरू से तो पलटेगा तो शुरू से जेड आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो पलटने के बाद शुरू से के कितने स्थान पर आ जाएगा, हाँ क्योंकि के का उल्टा होता है कौन पी, यानी 16 पर आ जाएगा के, इधर से लिखते आओगे ए, पलटे का मतलब है ए उधर से, तो एक के बार जो पी के पी यहां हो जाएगा और के यहां हो जाएगा, और आपसे क्या मैंने पूछा था पी का स्थान ना, तब पी हो जाएगा 11 पर इधर से, आ उधर से कहता है तब पी तो वैसे ही 16 पर रहेगा क्योंकि ए बी सी डी लिखा रहा है, कोई दिक्कत है आपको। अब देखो, अब आधा अगर पलटते हैं तो आधा पलटने में क्या करना, यहां तक पलटा ए तक, तो इधर का कोई भी लेटर यानी ए से लेकर एम तक का लेटर पलटाएगा, प्रथम अर्धांश पलटाएगा तो ए से एम ए तक ना पलटाएगा, किसी के बारे में पूछे ना तो 14 में से घटा दो, 14 में से घटा दो इधर से। अब तुमसे पूछ दे जे के स्थान, ठीक है चला, तो जे कै पर होता है 10 पर, तो 10 पर होता है ना, 14 में से 10 घटाओ, अब देखो ये 4 पर होगा जे, 1 2 3 4 नहीं हुआ। अब देखो, अब कह दे कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, प्रथम अर्धांश को क्या किया जाए पलट दिया जाए, तब बताइए कि के का स्थान क्या हो जाएगा, के का स्थान के होता है 11 पर, 14 में से 11 घटा लीजिए 3, अब बताओ पलटोगे एग्जाम में, पलटोगे नहीं ना, डायरेक्ट बनाओगे ना, माने माने बनाओगे ना, 14 में से 11 घटा दिए 3, भाई 3 होगा, 3 पर होगा। अब मान लो चेला तुमको ये कह दे कि प्रथम अर्धांश पलट दिया, अब दाहिने से के कितने नंबर पर हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दाहिने से के कितने नंबर पर हो गया उधर से, देखो प्रथम अर्धांश पलटा अल्फाबेट का, तो दाहिने से के इधर से के का नंबर कितना हो गया, तो यहां तो देख के तुम बता दोगे कि सर ये तो 24वां हो जाएगा, 25वां 26वां नहीं,
दिमाग लगाना कि कुछ नहीं, ऐसे के अभी कितने पर है सीधा बताओ, अभी अगर पलट देते हैं तो एक तरफ से तुम खाली याद रखो ना, तो के 11 पर होता है, ऐसे सिंपल में के कितने पर होता है 11 पर, तो आधा पलट गया है तब वो कितना पर चल गया होगा, 14 में से 11 घटाए 3 पर, ओ यानी इधर से वो 3 पर है तो उधर से कितने पर, तो 27 में से घटाना होगा, पूरे में बताना हो तो दाहिने तरफ से का मतलब है कि पूरे में ना आ जाएगा, ये पूरे में ना, तो 27 में से 3 घटा दो 24 पर आएगा ये के, देख लो तुम एक तरफ का स्थान निकालो और उधर से कभी भी निकालना हो जेड के तरफ से तो आपको 27 में से घटाना पड़ेगा। हाँ प्रथम अर्धांश कह दे पलट दे, तब कह दे कि उस अल्फाबेट में हाँ जे का स्थान क्या होगा, इतना में तो कहते तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम अर्धांश में तो 14 में से घटा लेते हैं, लेकिन पूरा में कहेगा तो फिर इधर का स्थान होकर पहले निकाल के 27 में से फिर घटा लेंगे, समझे कि नहीं समझे सर, टाइम ज़्यादा हो गया है तो जाओ तुम, के रोका है तोरा, अब देखो अब मेन बात अब है सुनो, ये बात तुम समझ गया, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी एम तक है ना, और इधर जो है ये भी पलट गया, ई है और उधर वाला क्या हुआ है नहीं पलटा, पलट गया, इधर वाला सीधा है और उधर वाला पलट गया, यानी दूसरे अर्धांश को मैंने पलटा है, तो अब समझो दूसरे अर्धांश को तुम पलट दिए हो, इसका मतलब हो गया कि ए से एम तक तो सीधा गया और एन के जगह कौन आ गया, ओ के जगह कौन आ गया, पी के जगह कौन आ गया, चला बताओ एन कितना पर होता है और जेड कितना पर होता है, सबको जोड़ो तो हो गया क्या, दिमाग लगाओ घर पर कुछ काम करना, अब तुमको कह दे कि दूसरे अर्धांश को पलटने के बाद वाई का स्थान हमेशा 40 में से घटाओ, इस सब का योग 40 से होता है, देखो 14 किताब उताब में तोरा नहीं मिलता, इस सब हमार शोध है, देखो हाँ शोध किए हैं, एन 14 आ जेड कितना 26, तो 26 आ 14 40 आ 25 आ 15 आ 24 आ 16 आ 23 आ 17, अगर अल्फाबेट के वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए चेला और उधर वाला में से कोई लेटर पूछे तो उधर वाला लेटर कहां से कहां तक होगा, एन एन से जेड तक होगा, इतना दिमाग काम करता है कि नहीं करता है, ए से एम तक पहला अर्धांश और एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश होता है, तो उधर का कोई भी लेटर तोरा कहता है ना 40 में से घटा दो, एन से स्थान होकर निकल जाएगा, एन से निकल गया तो उन्ने से पूछेगा तो 27 में से फिर घटा लेंगे, नहीं कोई दिक्कत है, आ जाओ अब बताओ तुम, अगर तुमसे कह दे कि जरा बताओ दूसरे अर्धांश को पलटने के बाद हमारा यू का स्थान कितना होगा, एम में ना पलटल है, एम तक ठीक था यू, तो चला दिमाग लगाना यू होता कै पर है 40 में से 21 घटा देंगे 19, अब यू होगा 19 पर, तू इधर से गिन कर देख ले, देखिए 13 है यहां तक, ए से लेकर एम तक 13, तो 14 15 16 17 18 19 हुआ कि नहीं, अगर तुमको उधर से पूछ देता है अब 19 तो तू निकाल लिया है, 27 में से 19 घटा, 27 में से 19 घटाओ 8, दाहिने से 8 नंबर पर होगा, देखो दाहिने से 8 पर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ इस सवाल में तुमको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगा, पहला अर्धांश का निकालना हो तो 14 में से ओकर स्थान घटेगा और दूसरे अर्धांश का निकालना हो 40 में से घटेगा, ये नोट कर लीजिए कोई दिक्कत, आप पूरे में से अगर दाहिने तरफ से कहता है तो 27 में से घटेगा, तीन गो कहानी याद रखना है, प्रथम अर्धांश में 14 में से घटाना है, अरे क्वेश्चन अभी आएगा रुक, तब से क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, कह देगा कि अल्फाबेट के दूसरे अर्धांश को पलट दीजिए, अब बताइए कि पी का स्थान कै पर हो गया, तब पहले दिमाग लगाना कि पी कौन अर्धांश में होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा, प्रथम अर्धांश में होगा, प्रथम आधा में होगा कि लास्ट के आधा में होगा, पी लास्ट के होगा, 40 में से ओकर 16 घटा देंगे, 14 नंबर पर हो गया, इधर से नहीं हो गया, चले
अब आ जाओ, अब इसको देखो, यहां मैंने क्या किया है, दोनों आधा आधा पलट दिया है। कभी तो कहेगा कि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश पलटा गया, कभी कहेगा अल्फाबेट के दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए, तब किसी का स्थान पूछेगा, और फिर कभी कह देगा कि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को भी पलटा गया, दूसरे अर्धांश को भी पलटा गया। तो दूसरे को भी पलटा गया, देखो एक हो गया कहां तक, ए तक, ई कहां तक, तो इसका दोनों का अलग अलग आप जानते हो ना कि इधर वाला निकालना होगा तो 14 में से घटाना होगा, और उधर वाला निकालना होगा तो 40 में से घटाना होगा, नहीं 40 में से। एक बार चेक करते हैं, हम लोग निकालते हैं, चला U इधर से कै नंबर पर, तो 40 में से 21 घटाइए, 19 ना, देखिए तो 19 पर आ रहा है, यहां तक तो 13 को हो जाएगा, बाएं से 13, तो 14 15 16 17 18 19 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। ऐसे U होता है कि इस पर नहीं। अब बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें बताओ E कै नंबर पर है, कै नंबर पर, 9 नंबर पर, कैसे जाना, 14 में से 5 घटा दिया, ई होता है 5 पर। प्रथम अर्धांश में से निकालना हो तो 14 में से घटाएंगे, और दूसरे अर्धांश में से निकालना है तो कोई दिक्कत। अब चलो, अब मुझे एक बात बताओ, ई इधर से तो तुमको पता है ई रियल में तो होता है 5 पर, लेकिन 14 में से 5 घटा है तो ई हो गया 9 पर, तो उधर से कहेगा तो 27 में से घटा लेते हैं 9 को। इधर से अगर किसी का स्थान पता है और उसी का स्थान उधर से पता करना है तो 27 में से घटेगा, 27 में से 9 घटाइए कितना, 18, ई होगा 18 पर, गिनती आई है आप उधर से, कोई दिक्कत है, चला मेन दिक्कत यह में होता है। अब देखो, अब तुमसे मान लो इस अल्फाबेट में चला, तुमसे कह दे कि ए और ई के बीच क्या होता है, तो तुमको पता है ना सी होता है, तो एवरेज निकाले आता है तोरा, तो 1 और 5 जोड़ दो, 1 और 5 जोड़ दो, दू से भाग लगा दो, 6/2 कितना होता है, तो 3 पर सी होगा। अब मैं कह दूं कि अल्फाबेट में ए से लेकर और के बीच में कौन लेटर आता है, तब तू तो पहले गिनता, अब गिनेगा नहीं, है 1 का 11 12 होता है, 2 से भाग दिए 6 पर होता है एफ, एफ हो लू आंसर, देख ले नहीं होगा, 3 4 को यहां छठा, 4 को इधर से छठा, के इधर 4 लेटर, यहां भी 4 गो, बीच में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है कि नहीं, चाहे ए से जाओ ई तक, के से जाओ जी तक, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बीच में कौन बच रहा है, कोई दिक्कत है तुमको। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तू बता ए है ना और 15 के बीच में, एक ए और ओ के बीच में कौन आ रहा है, नहीं आएगा, पागल है तू सब, अरे 15 है आ 1 है, ओ होगा 15 1 कितना 16, 16 को 2 से भाग दिए 8, एच होगा, गड़बड़ा गए लोग। अब सुनो, ए से लेकर हम एन तक लेते हैं, ठीक, अब पूछेंगे कि कितना होगा, तो देखो 1 + 14/2, 15 2 से कटता है क्या, न कटे तो कहना कोई बीच में होगा ही नहीं, बीच में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर 4 गो लेटर है चला ए बी सी डी, ठीक, अब कह देगा ए और डी के बीच में कौन आ रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है, मान लीजिए ए के बाद एगो इधर छाटिएगा, एगो दू गो इधर छाटा, दू गो इधर छाटा, बीच में कोई नहीं है, दो आदमी के बीच भी कोई नहीं हो सकता है, ए और बी के बीच में कितने हैं, तो सोचो कि 1 और 2 जोड़ो कितना हुआ 3, और 2 से हमेशा भाग लगाना है, एवरेज निकालना है, तो 2 आए कितना हुआ 3, 3 2 से ना कटता है, न कटे दोनों के स्थान जोड़ने पर, तो समझना ओकरा बीच कोई नहीं होगा, समझ गए पक्का। अगर आपसे कह दिया जाए कि ई से यू के बीच में कौन आ रहा है बताओ, तो ई है 21 और 5 26 के 2 से भाग 13, एम आ जाएगा बीच में। अभी तक तुमको लग रहा है कि अल्फाबेट पढ़ने में कहां कलम लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब देखो, इतना बात सीख गया, लेकिन अब क्या है सुनो, अब कह देगा तुमको ऐसे कि कह देगा अल्फाबेट में बाएं से पचमा के बाएं का सतमा कौन होगा, हाँ बाएं से पचमा के बाएं का सतमा या बाएं से पचमा का दाएं का आठमा कौन होगा,
तो कभी भी अल्फाबेट मतलब ये, ठीक ना, इसमें अगर तुमसे कहता है कि बाएं से पचमा के दाएं का सतमा मान लो, तो तुमको पहले करना है इसको जोड़ देना है, दूरंग है तो जोड़ो, ऐ सुनो, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो घटा देना, राइट राइट रहे तो घटा देना, लेफ्ट राइट रहे तो जोड़ देना, दूरंग तो हमेशा जोड़ के, चाहे राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, यहां राइट और लेफ्ट रहे तो भी जोड़ देना। सुनो तो देखो, दूरंग है कि एक रंग, मैंने बोला बाएं से पांचवा के दाएं सतमा, तो सात पांच कितना हुआ, तो पहले बार एल बोला है कि आर बोला है, पहले बार लेफ्ट, तो बाएं से ही लेफ्ट में 12 नंबर पर कौन आएगा ये देखना है, एल आता है इसमें शुरू से, 12 पर एल आता है ना, एल हो गया। अगर यही उल्टा रहता, कहता कि राइट से पचमा के लेफ्ट का सतमा, तो सात पांच कितना, आ शुरू में राइट है ना, तो राइट से 12 हमारा खोजना है, तो राइट से 12 हमारा खोजना है, तो इधर से एल होता है तो उधर से ओ होगा, एलो एक दूसरे का उल्टा होता है, या 27 में से तू 12 घटा ले, उधर से आना है तो दाहिने से आना है तो, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सवाल, सवाल है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, रुको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो देखो बाएं से 19वां के दाएं का सातवां, 19 सात कितना, 26, लेफ्ट से 26 जेड होगा, समझ गए। अब कैसे, लेफ्ट से 19वां, तो चला लेफ्ट से 19वां एस पर आता है, इधर से जाओगे तो एस से ना होता है, एकड़ कहता है राइट, कहता है बाएं से 19वां, तो एकरो राइट इधर होगा, तो इसके राइट में सतमा, तब पहला दूसरा ऐसे जाओगे, इसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये है देखो, एस 19वां था ना, बाएं से 19वां के दाएं सतमा, तो एक दाएं सतमा जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा छठा सतमा जेड मिला ना, वो कहानी ये होता है। तो अब बताओ, इस सवाल बनावे लिए पेन के जरूरी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं ना चाहिए, क्या करना होगा, कहता वो बाएं से 19वां दाएं से सतमा 19 7 26, पहले बाएं से बोला है, बाएं से 26 जेड होता है, हो गया बात खत्म। अगला देखिए, यह देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के बाएं का दसवां, पेन नहीं उठाना है, 15 एक बार बाएं या फिर बाएं है घटेगा, 15 में से 10 घटाओ, तो शुरू में बाएं बोला है ना, तो बाएं से 5 पर कौन होता है, ई होता है, शुरू से ई हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, क्या कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाला सा थक गया, कहता है कि बाय बाय जाओ जाओ, एग्जामों में क्वेश्चन तोरा कहेगा बाय बाय, आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं काटना, दोनों बार दाएं है, घटेगा 18 में से 8 घटाओ 10, और दाहिना से 10 बताना है, तो इधर से जे होता है उधर से क्यू होगा, जे किया जो किया नहीं बोले थे, क्यू होगा उधर से 10वें स्थान पर, कोई दिक्कत है, बोलो, आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बाएं से 17वां अक्षर के बाएं का 9वां, विपरीत क्रम, पहला अर्धांश को लिख दिए, दिमाग काम कर रहा है कि पहला अर्धांश मतलब कहां तक पलटा होगा, एसएम तक। अब सुनो, रुको, बाएं से 17वां के बाएं का 9वां, दोनों बार बाएं है, 17 में से 9 घटेगा, अरे लेफ्ट से 8 बताना है, तो लेफ्ट से शुरू से 8 है ना, तो अर्धांश पलटा हुआ ना है चेला, तो 14 में से 8 घटा ले, 6 पर कौन होता है, 6 पर एफ होता है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी। अब नहीं ना पलटोगे एग्जाम में, सारा विद्यार्थी पलटिए के बनाता है, सुन लो, पलटना पड़ता है। आ जाओ अगला, चलो ये बात समझ में आ गया, कहते कि ना समझ में आ गया, कहा नहीं समझ में आया, हाँ आ जाओ बाबू, लेफ्ट से कितना बोला 17, और फिर लेफ्ट से कितना बोला, बोला ना, माने बाएं से 17वां के बाएं 9वां जाना है, मतलब सुनो, बाएं से 17वां क्यों होता है ना, तो इसका दाहिना इधर होता है और बायां उधर होता है, तब फिर इसके पीछे आओ 9, तो इसके पीछे 9 आओगे तो इधर ना आओगे, क्यों उसे पहला ही ना, अब कह रहा है लेकिन प्रथम अर्धांश पलटा हुआ भी है उसमें, यानी ऐसे लिखा गया है ए बी, एगो सवाल समझा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल एम प्रथम अर्धांश बदलेगा तो एस से एम तक पलट गया ना, आ एम के बाद क्या होता है एन, इधर एम रहा होगा, नहीं समझा, नहीं तू नहीं समझा, अरे एम एन ऐसे गया होगा ना, बोलो। तो प्रथम अर्धांश पलटने का मतलब कहां तक, एम से तेरह को पलट गया तो तेरह पलट गया, लेकिन ये सब ना पलटा, एन ओ पी क्यू ऐसी ना चला गया, कहां तक गया। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है, उसमें नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया ना, ए से लेकर एम तक को उल्टा लिख दिया, एम इधर लाके एन, एन तो उधरे था, एम के पहले क्या होता है एल, उस सबको पलट दिया गया और उधर वाला तो जीव का त्यू रहा। अब इसमें पूछा हमसे कि बाएं से सत्रहवा, बाएं से कैमा सत्रहवा के बाएं नौवा, के बाएं नौवा। तो अब देखो एक बात और समझो, बाएं से सत्रहवा कौन आया, क्यू आया ना, क्यू आया ना, क्यू बाएं से सत्रहवा, इसके बाएं नौवा, तो इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा, एफ आया ना, एफ आया। अभी देखो आंसर हम ला के दिखाते तोरा, एफ तो लेफ्ट लेफ्ट है, सत्रह में से नौ घटाओ और आठ तो आया, तो अर्धांश अगर नहीं पलटा होता तो एच आंसर होता, एच आठ पर होता है, लेकिन पहले अर्धांश पलटा हुआ है। तो मैंने आपको कहा है कि पहला अर्धांश के बाद होता चौदह में से उसका स्थान घटा देना, तो तुम्हारा जो आठ आया है उसको चौदह में से घटा लो, छ पर कौन होता है तो एफ आंसर ना होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा दूसरे अर्धांश को बदलेगा, तब बाएं से नौवा, लेफ्ट से कैमा नौवा और राइट से कैमा बोला है, दाएं से तीसरा तो नौ तीन कितना लिखोगे बारह, तो लेफ्ट से बारह अगर जाते हैं, पहली बात सोचो कि लेफ्ट से अगर तुम बारह जाते हो तो कहां तक जाओगे, प्रथम अर्धांश में रहोगे। इसमें क्या कहता है द्वितीय अर्धांश को बदलने के लिए, द्वितीय अर्धांश तो उधर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम 12 तक जाएंगे लेफ्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी एल आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जहां बदलेगा हुए फर्क पड़ेगा और हमको 12 लेना है तो 12 तो हमारा 13 से पहले ही है। आ जाओ अगला देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं ग्यारहवा, बाएं से आठवां के दाएं का ग्यारहवा, ग्यारह आठ कितना होता है 19। अब चलो रुको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अच्छा लेफ्ट से 19 बताना है लेकिन उलट गया है, तो 19 का उल्टा क्या होता है, पूरा को उलट के बताना है ना, तो ऐसे सीधा जाते तो एस होता, तो एस का उल्टा क्या होता है एच, यानी हमारा आंसर एच होगा ऑप्शन ए। नहीं हाँ 27 में से घटाइएगा तो भी यही बात है, आ याद कहले है ना हो एस का उल्टा एच। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं का पांचवा अक्षर कम, क्या तक कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम से लिखा जाए, रुको तो दाएं से चला राइट से अठारहवा के लेफ्ट का पांचवा ना, तो 18 5 23 तो राइट से ना बताना है इस बार, आप पलट दोगे तो राइट से सीधा पड़ जाएगा, यानी 23 पर तोरा कौन आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। सोचो अंग्रेजी वर्णमाला को पलटना है, तो पलटना है तो ए इधर से ना, ए बी सी डी ऐसे ना आएगा, डब्लू एक्स वाई जेड ना हो जाएगा, और राइट पहले बोला है तो राइटे से ना लाइएगा 23 नंबर, राइट इधर है सीबीएसई बोर्ड वाली हो इसीलिए नहीं पता चल रहा है, हाँ राइट बोलेंगे तो समझ में आएगा, दहिना बायां नहीं समझ में आता होगा, और राइट से इधर से आओ तो उधर से 23 आओगे तो डब्ल्यू ए ना मिलेगा, पलट दिया है। चलिए अगला देखिए, आज रहने देते हैं, नहीं अपने से करे वाला है, चलिए तो आज की सेवा यहीं तक रहने दिया जाए।